हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, या फिर जो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जो भी चीज़ें ग्राफिक्स में लगे हुए हैं या जो भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे हैं, उनका सारा इन्फॉर्मेशन। एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर सारा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दे देगा। इनफैक्ट आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम में गेम खेल रहे हैं या फिर अपने सिस्टम में कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपके सीपीयू का टेम्परेचर क्या है वो भी जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम जान सकते हैं, जिसका नाम है स्पेक्सी। तो आज के इस वीडियो में इस सॉफ्टवेयर को मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो कंप्लीट आप वॉच करें, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप इस तरह सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो स्पेक्सी के इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सी क्लीनर नाम का है जो स्पेक्सी नाम का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रखा है और ये बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है? सिंपली इसका हम फ्री वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फ्री में क्या मिलना है, एडवांस में क्या मिलना है, ये सब है। बट फ्री में ही सारी चीज़ें मिल जाता है जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होते हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास ये डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है? मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा हूँ। तो इस तरह से सेटअप 132 नाम से यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंपल आप इंस्टॉल करेंगे येस करके, और इंस्टॉल करके यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन आएगा आपको स्पेक्सी वर्जन 1.32 सेटअप को इंस्टॉल करने का। बेसिक जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो सबको पता है, इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल हो जाता है। बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा सिस्टम में आपका। आप एक बार चेक कर लो सारे इन्फॉर्मेशन, फिर इसको हटा देना अपने सिस्टम से, ठीक है? रन स्पेक्सी करेंगे तो एक बार ये मेरे सिस्टम में रन होगा और खुल जाएगा कुछ इस तरह से, और अभी ये मेरा इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर रहा है, कलेक्ट करके मेरे को सामने देगा। सो गाइस, जो बेसिक समरी है वो सामने आके आ जाता है हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 प्रो 64 बिट का है, i3 प्रोसेसर है थर्ड जनरेशन का, जिसका कि टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस अभी, ठीक है? 37-38 था जब मैंने कोई सॉफ्टवेयर जैसे OBS स्टूडियो को नहीं खोल रखा था, जैसे ही मैंने खोला थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया। और इस तरह से आप बेसिक चेक भी कर सकते हो कि कई सारी केस में क्या होता है कि टेम्परेचर तब बढ़ता है जब सीपीयू फैन आपका जो है प्रोसेसर फैन जो है वो बंद रहता है, तो उस केस में भी टेम्परेचर 100 आसपास हो जाता है और रेड हो जाता है। यहाँ पे ये जो ग्रीन है अभी ये बिल्कुल रेड हो जाएगा और ग्राफ जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है? तो ये तो बेसिक समरी था। अगर डिटेल जानना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ, बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। सीपीयू के अंदर जाओगे तो प्रोसेसर का इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ है, ओके? और रैम के अंदर का रैम का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मदरबोर्ड कौन सा आप में लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन तक यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड आपने लगा रखा है तो वो भी आपको दिखेगा, मेरे केस में नहीं है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद स्टोरेज डिवाइस जो मैंने अभी SSD लगा रखा है इसके अंदर, वो SSD है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलने चाहिए वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। अगर आपको सिस्टम के अंदर रखना है इस सॉफ्टवेयर को तो रखो, अदरवाइज नहीं भी रखो कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है? तो ये लेकिन बीच बीच में चेक करते रहना कि टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, इससे पीसी के हेल्थ के बारे में आप जान पाओगे और जान पाओगे तभी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। गाइज, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।